हाय, गुड इवनिंग ऑल. सो वेलकम टू माय चैनल एज अ मनी ग्रो. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्टॉक को किस तरीके से हमें चूज़ करना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके और हमारा जो मनी हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका हमें रियल वैल्यू हमें जो है मिल पाए. तो उस चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉन्सनट्रेट करनी होती है स्टॉक को बाय करते समय. तो लेट्स सी कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे. कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फोकस की है, लाइक हाउ टू चूज़ स्टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग. तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आज ही जो है मैंने डेटा इसका प्रिपेयर किया है. सो आज जो है डेट जो है आपको पता है 22 मई ऑन डे सैटरडे. तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंश्योर करनी है वाइल बाइंग द स्टॉक, लाइक वैल्यू बाइंग. सो वैल्यू बाइंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. तो हम इतना डिटेल में तो मैं इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको जो मेन जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वैल्यू बाइंग है क्या. सो वैल्यू बाइंग समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा कि सपोज हम किसी शॉप पर कोई फ्रूट ख़रीदने जाते हैं, तो उस फ्रूट के जो एक्चुअल जो प्राइस है उसकी विथ टेकिंग दी प्रॉफिट, तो वो हमें उसको वैल्यूएट करना आना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये जो फ्रूट हम लेते हैं तो उस समय हम काफ़ी चीज़ें जो है हम लाइक हम शॉपकीपर से हम उस बार्गेनिंग भी करते हैं. बार्गेनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि वो जो हम जो 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 फूड जो हम लेना चाहते हैं वो हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितकी हमें उसकी उतनी वैल्यू देना चाहिए. फॉर एग्जांपल सपोज़ वो थोड़े बहुत हल्के फुल्के ज़्यादा पके हुए हमें दिख रहे हैं, या फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो है टेस्ट उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए. तो ये सेम जो चीज़ें हैं ये भी स्टॉक मार्केट में भी हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है. लाइक अभी किसी भी एक्स वाई जेड स्टॉक की अभी वैल्यू क्या चल रही है, तो उस वैल्यू को हमको किस तरीके से एनालाइज करना है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ. तो वो वीडियो भी आप जल्दी ही मेरे चैनल पर आप देखेंगे. सो इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एक वैल्यू बाइंग स्टॉक जो है उसका सिलेक्शन हमें किस तरीके से करना है. सो और सिलेक्शन करने के लिए भी हमें जो स्टॉक का अगर हम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर स्टॉक अगर हम ले रहे हैं तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो जो स्टॉक है वो क्वालिटी स्टॉक ही होना चाहिए. क्वालिटी स्टॉक इन द सेंस कि उसकी जो है मार्केट में ब्रांड वैल्यू अच्छी होना चाहिए, वह एक अच्छा स्टॉक होना चाहिए जिस पर आप बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ कर पाएँ. आपका जो मनी है आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप कह सके कि ये जो मेरा पैसा है जो मैंने लगाया है वो 100% जो है सिक्योर है. तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं. उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर मैंशन करके रखा है वो है इंडस्ट्रीज एनालिसिस. सो इंडस्ट्रीज एनालिसिस क्या होता है? इंडस्ट्रीज एनालिसिस मतलब इंडस्ट्रीज़ में इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से कॉम्पिटिटर्स को हम पीयर्स भी बोलते हैं. तो इसके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और इनका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिसका है उसका जस्ट एक रीजनिंग कीजिए कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण क्या है एज़ कम्पेयर टू इस कम्पिटिटर्स. सो ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे लेके जाएगी जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को एनालिसिस करोगे और जो एनालिसिस है मतलब जो आप लर्निंग करोगे वो लर्निंग आपके लिए बहुत आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होगी. इसके अलावा इसका पास्ट ग्रोथ क्या है, इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उस बेसिस पे हम इसको प्रेडिक्शन करेंगे कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर होने वाला है जो हमने पैसा लगाया है उसका वैल्यू बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी. इसके अलावा हमें यहाँ पर कंपनी की स्टडी भी करना होती है, लाइक इसका डिमांड कैसा है. जो भी यहाँ का जो इसका जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट की कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं कोलगेट ही लेता हूँ सॉरी. तो कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जो हर हर व्यक्ति अपने घर में यूज़ करता है, बिना कोलगेट के तो आप रह ही नहीं सकते. तो कोलगेट तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कोलगेट जो भी है कोलगेट का भी वैल्यूज बढ़ रही है, बट ये कोलगेट का जो है इसके कॉम्पिटिटर्स जो है वो इससे कितने बिहाइंड है या फिर उनका क्या परफॉर्मेंस है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होगी इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन कोलगेट.
तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिनेरियोज होते हैं, सेम सिनेरियोज मार्केट्स में भी होते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, जो इसका पास्ट ट्रेंड है या कितना प्रॉफिट दे रहा है, उस बेस पे ही आप इसको फोरकास्ट कर पाओगे कि इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। थर्ड जो है एनालिसिस पी रेशो विथ सेक्टर पी रेशो। आप फॉर एग्जांपल रिलायंस में आप इन्वेस्टेड हो, तो रिलायंस का जो रेशो है पी रेशो वर्सेज उसका जो सेक्टर जो है, पूरा जो सेक्टर है उसके जो रिलायंस के पीयर्स जो है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके सेक्टर का ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर ओवरऑल सेक्टर के परफॉर्मेंस से रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो, बिकॉज इन फ्यूचर इट विल डेफिनेटली विल 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 प्रॉफिटेबल टू यू। और स्टॉक जो है उसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें डिविडेंड देते हैं, वरना क्या मतलब है, हम इतना पैसा डाल के रख रहे हैं उस पैसे का हमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है। डिविडेंड इज़ लाइक अ इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत पैसा जो है हमारा इन्वेस्टेड मनी का हमें मिल जाता है। उसके बाद इसका इंस्ट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो ये जो वैल्यूज़ है ये आपको मैं अभी तो नॉर्मली मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं डिटेल में गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियोस है मैं आपको इसके बेसिक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, और इसका जो डिटेल है उसका डिटेल्स में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। सो डेफिनेटली जैसे ही मेरा वीडियो बनेगा मैं आप लोगों तक उसको पहुँचाऊँगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें इसका बैलेंस शीट, इनकम, कैश फ्लो, पीयर कंपेरिजन एज फाइनेंशियल टर्म, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इसका बैलेंस शीट जो है आप उसका जो जो भी पास्ट का उसका जो डेटा है वो आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसके फ्यूचर के बारे में भी आप उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इसका आने वाला फ्यूचर क्या रहने वाला है। उसके अलावा इसकी इनकम क्या है, इनकम में इनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इनको। इसके अलावा हमें एक होल्डिंग पैटर्न पे भी चेक करना पड़ेगा कि होल्डिंग पैटर्न्स क्या होती है। आपको पता ही होगा जैसे जो हम जो ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो वो जो शेयर्स होते वो जो होते हैं वो नॉर्मली जो है उन्हें जो हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी आप बोल सकते हो जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न्स है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे अलावा भी कुछ कंपनी के कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो शेयर्स को होल्ड करते हैं। इसके अलावा FII और DII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये भी एक लार्ज टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा विथ इंक्लूडिंग द म्यूचुअल फंड्स। तो ये भी क्या होता है मार्केट में इनका भी काफ़ी योगदान रहता है, इनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है जो किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे कर सकता है। तो ये वाला जो होल्डिंग पैटर्न्स है ये आपको भी डीप में समझना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। इसके अलावा जिस स्टॉक में आपने पैसा लगाया है उसकी न्यूज़ एंड ओपिनियंस जो रहती है वो, उसके लिए आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आप अपडेटेड रहो, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू टेक डिसीजन कि मुझे कब से एग्जिट करना है, कब मुझे इसमें से प्रॉफिट बुक करना है। तो ये सब चीज़ें आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि अभी मार्केट क्या चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और वहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का जो फर्स्ट फेज था वहाँ पर मार्केट क्रैश बड़ी ख़तरनाक तरीके से हुई थी, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे बताती है कि आपको किस तरीके से मार्केट जो है आपको कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिसीजन लेने वाले पॉइंट्स हैं, ये आप तभी ले पाओगे जब आप मार्केट में अपडेटेड रहोगे। बिजनेस, स्टॉक का बिजनेस कैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी XYZ कंपनी ली है तो आप उसमें क्या देखोगे, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, पास्ट रिकॉर्ड में आप ये देखोगे कि यार इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है कि नहीं, रिकॉर्ड देखकर आपको ये पता चलेगा कि ये अच्छा स्टॉक है या नहीं। सेम आप उसका जो है फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर पास्ट अच्छा है तो डेफिनेटली इट विल गिव द कॉन्फिडेंस टू बाय द स्टॉक्स एंड ऑल्सो गिव द एश्योरेंस टू मेक इन्वेस्टेड टू ग्रो अवर मनी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पे समझनी होती है।
देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अपन किसी ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में, और उसका आने वाला उसका फ्यूचर क्या बोल रहा है। तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप जो मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें मैंने पूरा सिंगल लाइन में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो ये आप पढ़ते से ही आप समझ जाओगे, तो कोई इशू नहीं है। ये सब जो है मेरे बेसिक्स पॉइंट्स है जो मेरे मेरे माइंड्स में यहाँ पर क्लिक होते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स में मिस किया, तो डेफिनेटली मुझे आप मेरे सजेस्ट कॉलम में, या फिर मेरे फीडबैक में, या फिर आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, एंड डेफिनेटली आई कम बैक विथ माई सेकेंड वीडियो। तो सेकेंड वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ वो मेरा रहेगा, इसकी वैल्यू बाइंग के ऊपर मैं डिटेल में बनाने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली यू विल लर्न।